देखो हमने किया आटम क्या होते हैं, आटम हमारे पास में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है किसी भी सब्सटेंस के, जो सब्सटेंस हमारे पास में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मेंटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी थ्रू आउट एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एटम क्या है हमारे पास में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, चाहे आप उसको किसी भी केमिकल चेंज में डाल दो, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी रखेगा, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, उसे कहते हैं हम एटम। एंड हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया था, मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स क्या है आपके पास में, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, भाई जो अपने अपने इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसको रहने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिसको रहने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है हमारे पास में। जैसे H2, H2 आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, H2 क्या आपके पास में एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्यों, क्योंकि H2 की वैलेंसी पूरी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अरे बात समझ में। वहीं पे H क्या है आपके पास में, ये आपके पास में एक एटम है, H क्या है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में, ये एटम है हमारे पास में, ये हाइड्रोजन का एक एटम जिसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब आप इस हाइड्रोजन को चाहे वाटर में डालो तब भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, चाहे आप इस हाइड्रोजन को अमोनिया में डालो, NH3 में डालो, अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड में डालो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। इसी के बेसिस पे हम एटम्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी एटॉमिसिटी के बेसिस पे, एटॉमिसिटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, एटॉमिसिटी के बेसिस पे। ना व्हाट इज एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी होती है, कितने एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे देखो H2 की अगर मैं बात करूं तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, कितने एटम्स है, दो एटम्स है, कितने एटम्स है, दो एटम्स है हमारे पास में, हाँ जी टू, समझ रहे चीज यहाँ पे आपके पास में। अगर मैंने लिखा 2H2 इसका मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा 2H2 तो ये जो नीचे वाला 2 है ये नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है, ये जो सामने वाला 2 है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है, समझ में आ रही है बात। नीचे वाला जो 2 है वो नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है, सामने वाला 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, दो मॉलिक्यूल्स है H2 के, क्या है, दो मॉलिक्यूल्स है H2 के। ऐसे अगर मैंने लिखा 2H2O, what does this means, दो मॉलिक्यूल्स है किसके, H2O के, पूरा बोलो ना, दो मॉलिक्यूल्स है किसके, H2O के, किसके, H2O। What does 3C means, 3 molecules of C carbon, 3 molecules of C carbon, समझ में आ गई बात। अब बात आती है एटॉमिसिटी की, तो एटॉमिसिटी के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले कहेंगे मोनो एटॉमिक, क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, मतलब वो हमारे पास सब्सटेंस जिसमें कि सिंगल एटम प्रेजेंट है आपके पास में, लाइक H O C, ये सब क्या है आपके पास में,
मोनोएटॉमिक, ये सब क्या है आपके पास में, मोनोएटॉमिक। वहीं पे मैंने कहा डायएटॉमिक, डायएटॉमिक क्या होंगे, जिसके पास में कितने होंगे, डाय मतलब टू, डाय मतलब होता है टू, तो अगर मैंने कहा डायएटॉमिक मतलब कितने एटम्स, टू एटम्स, दो एटम्स, जैसे H2 दो एटम्स, M2 कितने एटम्स, दो, ऐसे ही ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन, कितने एटम्स, तीन एटम्स, O3 तीन एटम्स, H2O दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन, क्या तीन एटम्स आपके पास में, टेट्राएटॉमिक चार, टेट्रा इज चार एटम्स, टेट्रा इज चार एटम्स हमारे पास में, जैसे NH3 तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, NH3 तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, कितने हो गए टेट्रा, चार हो गए आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट, ठंडी नहीं है, पेंटा, पांच एटम्स, पेंटा मतलब पांच एटम्स है आपके पास में, कितने हैं पांच, सी एच फोर चार हाइड्रोजन और एक कार्बन, चार और एक पांच हो गया आपके पास, ठीक है। पॉलीएटॉमिक नहीं, चार से ज्यादा, मोर देन फोर, चार से ज्यादा को हम पॉलीटॉमिक कहते हैं, मतलब मैं सी एच फोर को पॉलीटॉमिक कह सकती हूँ, आगे ना समझ में, मैं सी एच फोर को पॉलीटॉमिक भी कह सकती हूँ, मैं उसको पेंटा भी कह सकती हूँ, चार से ज्यादा को हम क्या कह देंगे, पॉलीटॉमिक, क्या कह देंगे जी, पॉलीटॉमिक, समझ में आई बात पक्का, यस मैम। चलिए एटॉमिसिटी बताएंगे, Na2CO3 बताइए कितनी है इसकी एटॉमिसिटी, पॉलीटॉमिक, यस पॉलीटॉमिक है, पर है कितनी एटॉमिसिटी, इन नंबर कितनी एटॉमिसिटी है, छह है, वेरी गुड। देखो Na एक ही एलिमेंट है, Na एक ही एलिमेंट है, जब एलिमेंट की नेमिंग कराई थी लास्ट लास्ट क्लास में, तब आपको समझाया था कि जब आप नेमिंग करते हैं तो पहला लेटर हमें कैपिटल लिखना होता है, पर जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में भी एन है, सोडियम में भी एन है, तो हमने क्या किया, उसको नेमिंग देते हुए हम दूसरा लेटर लिखते हैं, और दूसरा लेटर क्या लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, तो सोडियम के कितने एटम्स हैं, दो, प्लस कार्बन कैपिटल के कितने एटम्स हैं, एक, ऑक्सीजन के कितने हैं, तीन, कितने, छह, एटॉमिसिटी कितनी हुई, छह, एटॉमिसिटी छह है, इसलिए क्या है, पॉलीएटॉमिक, ये क्या है आपके पास में, पॉलीएटॉमिक, समझ में आ रही है बात, नंबर ऑफ एटॉमिसिटी बताइए इसकी, इन नंबर कितनी है, एटॉमिसिटी बताइए फटाफट, इन नंबर कितनी है, आएगा
फोर होगा। खड़े हो जाओ।
थी हाँ बताइए मैम प्रॉमिस सिटी नंबर विल बी हम फोर वेरी गुड वेरी गुड ये बताओ ये क्या अपॉइंटमेंट एक्शन अभी बताया देखो आपको अगर याद नहीं है इधर ध्यान दो तुम्हें अगर आपको सिंबल अभी तक याद नहीं हुए हैं मैंने कहा था डन करो याद नहीं है तो आप देखो पहला लेटर कैपिटल है दूसरा स्मॉल है मतलब ये एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सीए एक एलिमेंट है कितना है सीए एक है इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब कितने एटम्स है सीए के एक कितने एटम्स है एक अब C कैपिटल है एल स्मॉल है आपके पास में तो ये भी एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है CL क्या होता है क्लोरीन मतलब कितने एटम्स है क्लोरीन के दो कितने एटम्स है दो तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी एटॉमिसिटी हो गई तीन और तीन को क्या कहते हैं हम डायटोम मैम डायटोम कैल्शियम क्लोराइड समझ में आ गई बात यस मैम काशी बताइए एटॉमिसिटी बताइए कितनी है Six. कैसे है पहले बताइए कितने एलिमेंट्स हैं इसमें एवरीवन कितने एलिमेंट्स हैं इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स तीन डिफरेंट एलिमेंट्स है यार पहला है हाइड्रोजन H है हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन कितने हैं दो दूसरा S सल्फर सल्फर कितने हैं वेरी गुड एक और तीसरा ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं चार तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी सात एटॉमिसिटी सेवन मतलब क्या पॉलीएटॉमिक क्या होगा पॉलीएटॉमिक समझ में आएगा यस काशी आपकी आवाज करती है काशी जी कभी जाओ मेरे ना काशी आवाज करते हैं काशी खुद ही गायब हो गया ऐसा हम पूरे चले जाते हैं ओके अगला पीछे सोना कितने एलिमेंट्स हैं पहले बताओ एलिमेंट्स कौन कौन से कार्बन नहीं 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 पहला कार्बन कितने हैं एक सी एल पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल मतलब एक ही चीज है और ये सी एल होता क्या क्लोरीन कितने हैं चार तो एटॉमिसिटी पांच पांच वाला क्या होगा पेंटा एटॉमिक क्या होगा ज्योति दूसरी ज्योति बताइए कितने एलिमेंट है कार्बन का एक एलिमेंट कितने हैं एक कार्बन है भाई ऑक्सीजन है क्यों एटम्स कौन से होते हैं नीचे वाले ऊपर वाले तीन है ना एटम्स नीचे वाले हैं ऊपर मैंने इसीलिए भी आज पूछ ली कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ये चार्ज है उसको कोई लेना देना नहीं एटॉमिसिटी से आपको एटम्स ही चेक करने हैं एटम नीचे कितने हैं तीन तो भाई एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में चार चार को क्या कहते हैं टेट्राएटॉमिक क्या कहते हैं टेट्राएटॉमिक
कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? तीन। कौन कौन से? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। सी ए कैल्शियम, कितना है कैल्शियम? एक। एक। सी कार्बन, कितना है कार्बन? एक। एक। ओ ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन? तीन। टोटल कितने आ गए एटॉम में से? तीन। पांच। पांच को क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोल रही थी। कितना है? टू। टू। हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए?
फाइव और पांच को क्या कहते हैं? लड़कों की पेंट में घुस गया एटम बम, पेंटाटॉमिक। आप बताओ ये चीज मुश्किल है? मुफ्त के दो नंबर है, ये मुफ्त के दो नंबर है, इन दो नंबर है। हाँ इसलिए मैं ऐसी मेहनत करा रही हूँ। टेस्ट में ही नाम दिया मैंने? नहीं अभी क्या वो था। हाँ हाँ तरुण इज लाइक ये दो नंबर तो मैं ले ही रहूंगा। हाँ भाई इसमें नंबर है। चलो अब मैं ही बताऊंगी, अब आप खुद से बताएंगे, मैं इसको रख कर दूंगी। हैंड रेज करेंगे सारे, एक साथ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भेड़ चाल में, ठीक है? छोटे छोटे परिवार के सदस्य, अरे नहीं बाबा नहीं, तुम्हें हाँ जी सबसे पहले बताएं कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? वेरी गुड, कितने एलिमेंट्स हैं? तीन। लाउडर आई कांट हियर यू, कितने एलिमेंट्स हैं? तीन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से तीन एलिमेंट्स हैं दीपिका? कौन कौन? Air, aluminium, sodium, sulfur, sulfur और O oxygen। बहुत अच्छे, ये 17 है बेटा। हाँ रुक जा, अभी देखते हैं एल्यूमिनियम कितना है। आप खोल के, आप खोल के देखिए। वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना है? हम थ्री। मल्टीप्लाई होगा ना, थ्री वन सा ट्वेल्व, टोटल के कितने हो गए? 17। कहाँ तक जा सकते? तो ये क्या है? पॉलीएटॉमिक। ये क्या है? पॉलीएटॉमिक। दो नंबर तो खुद पा लेंगे, ये दो नंबर तो कहीं से भी आए, इनको गवाना नहीं है, और जिसने गवा दिए और पढ़ाई कर दूंगी जिसने गवा दिए। बताइए चलिए कितने एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट्स हैं। वेरी गुड, कौन कौन से? कैल्शियम बाबा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना? 1। ऑक्सीजन कितना? 1। एटॉमिसिटी 2। क्या कहलाएगा? डायटॉमिक। यस मतलब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये लिखने का तरीका बेस्ट है। कितने एलिमेंट्स हैं? 4। आप दीपिका का मुझे बन गए, जिसे पूछ रहे हो तो बोले दो। माँ बाप ने इतना अच्छा नामकरण किया है, खुशी नहीं है उनको अपने नाम से? बताइए कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ आपकी तो कोई एलिमेंट्स हैं। वेरी गुड, कौन कौन से? Na मतलब सोडियम, हाइड्रोजन, सी कार्बन है और ओ ऑक्सीजन अलग है। अब सोडियम कितना है? 1। हाइड्रोजन, कैल्शियम सॉरी कार्बन 1। ऑक्सीजन। वेरी गुड, एटॉमिसिटी 6। मतलब क्या होगा?
पॉलीएटॉमिक। चार से ज्यादा है तो पॉलीएटॉमिक है, चार से ज्यादा है तो पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, अब मैं एक ढूंढी वो आप सब अपनी कॉपी में करेंगे एंड यू विल टेल मी कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्या मेरे बच्चे, इसको करके दिखा दीजिए। अगर आपने इसको सही कर दिया मतलब बताओ इसी को करके आपके दिमाग में क्लियर हो गया। 13 रुक जा ये 13 होगा। बोलना नहीं है काशी, व्हाट्सएप करो। मुझे पता है ना नकल जी बंदर बहुत है, नकल कर लेते हैं। बंदरी आई हुई है सही, बंदरी बंदर फॉस्फोरस। कर रही हूँ मैम, भेज दिया। बेटा इसको कहेंगे क्या, ये तो लिख रहे हैं आपने। यही एक कंसेप्ट करते, कराना तो और भी था बट कोई नहीं, अब इतना ही कंसेप्ट।